ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? डैड लव्स 111 पे आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। गाइस गाइस, आपके पोर्शन है ना, रात को जब सोते हैं, ठीक है, जब आपके पोर्शन रात को सोते हैं तो वो क्या-क्या चीजें सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। आज की रीडिंग इसी टाइटल पर होने वाली है और देखते हैं कि रात का जो वक्त होता है वो उन्हें कितना बेचैन करता है, कितना तड़पाता है, कौन कौन सी चीज़ों को लेकर वो ज़्यादा फोकस करते हैं जब वो आपके और अपने रिलेशनशिप के बारे में याद करते हैं ना। क्योंकि रात का पल ऐसा होता है जब इंसान को सबसे ज़्यादा बातें दिमाग में घूमती रहती है, पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की, सभी चीज़ें, है ना, रिलेशनशिप की। तो रात का सब जो समय है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्रूशियल होता है सोच के लिए, थिंकिंग के लिए, है ना। तो आज इसी पर रीडिंग करेंगे कि रात को सोते वक्त आपके पोर्शन आखिर आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी भावनाएं कैसी रहती है, ठीक है। तो पाइल यहाँ पर मैंने रखे हैं दो, और इसमें जो है अल्फाबेट रख दिए हैं ADG JNQ TWC FIL और X। ADG JNQ TWC FIL और X, ये है पाइल नंबर वन, और आपको अपने पोर्शन के नाम के हिसाब से ही पाइल सेलेक्ट करनी है गाइस, ठीक है। और पाइल टू में है BEH KMO RUP SVY और Z, ये है पाइल नंबर टू, BEH KMO RUP SVY और Z। तो पाइल सेलेक्शन करने से पहले आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि पॉजिटिव वाइब्स में रहिए, एनर्जी पॉजिटिव आपकी होनी चाहिए, और आपको वो सारी फीलिंग, सारी भावनाएं जो भी आपके पोर्शन की है ना, आपके सामने लाकर मैं रख देती हूँ, ठीक है। तो जल्दी से अपना पाइल सेट कीजिए, कहाँ पर है आपके पोर्शन देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर दोनों पाइल मैंने आपके सामने रखे हैं गाइस, आई होप आपने पाइल सेलेक्ट कर लिया है। स्टार्ट करेंगे नंबर वन की रीडिंग से। तो ये है हमारा पाइल नंबर वन। तो सबसे पहले हम मैसेजेस निकालेंगे गाइस, ठीक है, क्योंकि जो रात का जो समय होता है वो भावनाओं से भरा होता है, इमोशंस से भरा होता है। देखते हैं कि मैसेजेस में जो चीज़ें निकलेंगी क्या टैरेट में भी वही चीज़ें निकलेंगी। तो इसीलिए आज सबसे पहले मैसेजेस से स्टार्ट करते हैं गाइस। चलिए, मैंने यहाँ से निकाल लिए हैं कुछ मैसेजेस, देखते हैं कि आपके पोर्शन रात को सोते समय क्या सोचते हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के को लेकर क्या है उनकी भावनाएं। तो सबसे पहले जो मैसेज में आया है वो है अपना ख्याल रखो, ठीक है। तो ये आपसे कह रहे हैं कि आपको अपना ख्याल रखना है, बहुत खूबसूरत। तो ये दिखा रहा है कि इस बंदे या बंदी को आपकी बहुत चिंता है, फिक्र है, केयर है, भले ही आपको नहीं दिखा रहे हैं पर मैसेज से इन्होंने आपको उनकी भावनाएं बता दी है कि आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। आई वाना कम बैक, वाह, देख लीजिए, कह रहे हैं कि ये वापस आना चाहते हैं। आई वाना कम बैक, देख लीजिए गाइस। तो रात को जब ये सोते होंगे ना, तो इनको मन में यही फीलिंग्स होती है कि इनको जो है वापस आना है आपके साथ रिलेशनशिप में, है ना। तो फिर अगर वापस आना चाहते हैं तो वो वापस क्यों नहीं आ रहे हैं, ये रात की फीलिंग्स मैं आपको बता रही हूँ, जो ये रात को सोते वक्त समझते हैं, याद करते हैं, शायद ये होना ही था। तो ये कह रहे हैं कि जो भी आप दोनों के बीच में दूरियां आई है रिलेशनशिप में, जो भी प्रॉब्लम्स हुई है, शायद ये होना ही था। इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जुदा होना ये तय था, है ना, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी ये जो है होना तय था। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी रही है जिसका शायद इनको सॉल्यूशन नहीं मिल पाया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कभी कभी रात को इनको लगता है कि पता नहीं हम दोनों के बीच में शायद रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकती थी, शायद इसीलिए ये सब चीज़ हो गया, है ना, इसे होना ही था, शायद तकदीर में ऐसा ही लिखा था। तो कभी कभी मन को अपने आप को थोड़ा सा हिम्मत देने के लिए भी ये चीज़ें ये रात को सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं गाइस। वहीं पर इनको जो है वापस भी आना है, क्योंकि ये आपके लिए केयर भी कर रहे हैं, मैं वापस आना चाहता हूँ, अपना ख्याल रखो, शायद तुम्हारे और मेरे बीच में ये चीज़ें होनी ही थी। तो ये इनकी रात की भावनाएँ हैं जो ये रात को बहुत ज़्यादा सोचते हैं
हैं, फील करते हैं, तुम्हारी हर बात मुझे याद आती है। तो ये कह रहे हैं कि आपकी हर बात इनको जो है याद आती है, यानी कि छोटी सी छोटी बातें जो आप दोनों के बीच में हुआ करती थी, है ना। रात आप लोगों ने, हो सकता है कि बहुत खूबसूरत पल साथ में बिताए थे, है ना, उन पलों में आप दोनों बहुत खुश थे। तो उन सारी चीज़ों का ना रात को जब ये सोचते हैं तो देखो कितनी आपकी यादों में जो है ये इंसान डूबा हुआ है ना। हर बात इनको जो है याद आती है, आपके साथ हुए लड़ाई झगड़े याद आते हैं, आपके साथ किया गया प्यार याद आता है ना। आप दोनों के बीच में अगर कोई कुछ फिजिकल रिलेशनशिप हुई थी तो उनको भी ये याद करते हैं, यानी कि हर छोटी से छोटी चीज़ें जिसे शायद आप भूल गए हो पर आपके पोर्शन याद कर रहे हैं। और रात को आपकी यादें, आपकी बातें इस इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। चलिए दूसरे मैसेज में देखते हैं, प्यार कल भी था आज भी है। देखिए ये भी रात को ये सोचते हैं कि ये इंसान जो है ना गाइज, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं पर कहीं ना कहीं इन्होंने ना कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। ऐसे आना जिस ये एक जो मैसेज आया है ना कि शायद ये होना ही था आपके और इनके बीच में, तो कॉम्प्रोमाइज़ वाली जो है फीलिंग्स मुझे इस इंसान के थॉट्स में नज़र आ रही है कि ये चाहत ना होते हुए भी कहीं ना कहीं ये आपसे दूर हुए हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि प्यार कल भी था आज भी है, यानी कि रात को जब ये सोते हैं तो ये अपने दिल में यही कहते हैं कि इस इंसान को मैं शायद भूल नहीं सकता, इसे मैं कल भी प्यार करता था आज भी प्यार करता हूँ। तो आपको क्या लगता है गाइस, ये इंसान क्या झूठे हैं इंसान है, या फिर इन्होंने जो भी किया वो आपको तकलीफ देने के लिए किया? क्योंकि मुझे जो इनके मैसेज मिल रहे हैं इससे तो मुझे बिल्कुल भी ऐसी फीलिंग्स नहीं आ रही कि ये इंसान चाहत रखता था आपसे दूर हो। ये इंसान बिल्कुल भी ना चाहते हुए गया है, ऐसा मुझे जो है नजर आ रहा है इनकी रीडिंग में गई। यस आई हैव ब्लॉक्ड यू बिकॉज आई हैव नो ऑप्शन लेफ्ट। तो ये कह रहे हैं कि हाँ मैंने तुम्हें ब्लॉक किया है क्योंकि शायद मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। तो ये यू नो जब रात को ये सोते हैं, सोने की कोशिश करते हैं, तो इनका इस मैसेज को देखकर यही फील हो रहा है कि इनकी इनको ना बहुत ज़्यादा आपके साथ बातचीत करने का, कम्युनिकेशन करने का इनकी इच्छा बहुत होती है। और रात का वो वक्त होता है जब ये बहुत बार शायद कोशिश भी करते होंगे आपको अनब्लॉक करने का या यू नो आपको मैसेज करने का, कॉल करने का, पर कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आप को रोक रखा है, आप तक पहुंच नहीं पा रहे। तो इस मैसेज को देखकर ये भी एहसास होता है कि आप में से कई लोग जो है नो कम्युनिकेशन में हो, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। तो बहुत मन है इस इंसान का आप तक पहुंचने का, आपको रीच आउट करने का, आपके साथ ढेर सारी बातें करने का, आपको ये बताने का कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर रुकी हुई है। अब ये क्या चीज़ें हैं जो रुकी हुई है वो अब हम टैरट से निकालेंगे, तब पता चलेगा कि ब्लॉकेजेस क्या है। ठीक है, आज पुरानी चैट्स देख रहा हूँ। देखिए मैंने कहा ना कि रात को इस इंसान को आपकी बहुत याद आती है, बहुत ही ज़्यादा याद आती है आपके आपके साथ किए गए वादे, आपके साथ गए बातचीत, आप दोनों जो समय बिताते थे साथ में, घूमने जाते थे, है ना, आप जो चैट पर जो आप लोग करते थे, यानी कि मैसेजेस वगैरह किया करते थे, है ना, पिक्चर्स वगैरह शेयर किया करते थे, तो वो सारी चीज़ें इस इंसान को ना बिल्कुल फ्लैशबैक होता रहता है, एक पल के लिए भी नहीं भूल पाते। तो ये क्या करते हैं, अपने दिल को सुकून देने के लिए या फिर दिल के दर्द को कम करने के लिए कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन होता था, कम्युनिकेशन होता था, उसे बहुत ज़्यादा ये इंसान देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने कुछ भी डिलीट नहीं किया है। ठीक है, आपको लगता होगा कि आपका तो नंबर डिलीट कर दिया, पर ऐसा नहीं है गाइस, नंबर डिलीट भी किया है पर चैट्स इन्होंने बहुत ज़्यादा संभाल कर रखे हुए हैं। तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, तो ये तो एक बहुत ही ज़बरदस्त बिंगो मैसेज आया है क्योंकि ये मैसेज दो बार रिपीट हुआ है गाइस। देख लीजिए इंग्लिश में भी जो मैसेज आया था हमें कि आई वांट टू कम बैक, मैं वापस आना चाहता हूँ, और यहाँ पर हिंदी में भी यही लिखा हुआ है कि तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। तो बहुत ज़्यादा इस इंसान की ना फीलिंग्स जो मुझे नज़र आई है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये इंसान आप तक रीच आउट करना चाहते हैं, आप तक पहुँचना चाहते हैं, आपके बिना इनका मन नहीं लग रहा, दिल नहीं लग रहा है ना। तो बहुत ज़्यादा बेचैनी रात को इनको सताती है, बस सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ ट्रैवल करना है, आप तक रीच आउट करना है, पर कैसे करना है शायद इस इंसान को थोड़ी सी कंफ्यूजन यहां पर हो रही है, क्योंकि यहां पर एक ऐसा मैसेज आया है जो कह रहा है कि शायद तुम्हारे और मेरे बीच में ये होना ही था जो अभी आप दोनों के बीच में हो रहा है। तो कॉम्प्रोमाइजिंग वाली थोड़ी सी एनर्जी नजर आई है, पर देखते हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज आखिर आपके पोर्शन क्यों कर रहे हैं, ब्लॉकेजेस क्या है यहां पर, क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो इनकी फीलिंग्स तो आपको शायद पता चल गई है जो भी मैसेज में इन्होंने आपसे कहा है। चलिए अब देखते हैं टैरट से क्या निकल कर आता है।
बहुत ये इंसान जो भी है आपसे बहुत प्यार करते हैं मुझे पता चल चुका है। अब देखते हैं एनर्जीज में क्या है। मुझे लगता है ना ये तो आपको सपने में भी देखते होंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को लेकर आपको लेकर इनके मन में बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स मुझे नज़र आई है गाइस। ये वापस डेफिनेटली आना चाहते हैं क्योंकि दो जो मैसेज इन्होंने वापसी का भेजा है जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है। चलिए देखते हैं। माय गॉड डेविल का कार्ड और हमें मिला है बहुत खूबसूरत 6 ऑफ वैंड्स। तो देखिए गाइस इस इंसान का जो भी है ना रात का जो समय है ना वो बहुत बेचैनी वाला होता है, बहुत ही बेचैनी वाला। अब मैं पूरे कार्ड्स निकालूंगी फिर आपको बताऊंगी, साइन और एलिमेंट भी बताऊंगी और डिटेल में बताऊंगी कि आपका ये जो डेविल है आखिर वो आपके लिए कौन कौन सी खुरापाती चीजें सोचता रहता है या सोचती रहती है। पेज ऑफ वैंड्स देख लीजिए, ये भी मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत ज्यादा सोशल साइट्स पर यू नो आपके चैट्स वगैरह देखना जो इन्होंने मैसेजेस में भी बताया है। एस ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वैंड्स, ओके। ओह माय गॉड मेरा बहुत प्यारा छुनु मुनु वाला कार्ड आ गया फोर ऑफ पेंटिकल्स और बिल्कुल हमारे डबल के कार्ड के नीचे आया है। तो ये इंसान तो बहुत आपके लिए क्या कहूं मैं, द फूल, वाओ नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो जो मैसेज में इन्होंने कहा था कि आई वाना कम बैक मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं तो उसी का हमें जो है एक्शन मिला है नाइट ऑफ सोर्ड्स। हालांकि एक्शन बहुत है यहाँ पर। Ten of Swords, oh my God. दिल दिया गला हाय करांगे नाल नाल बैके अख नाल अख नू मिलाके। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं कि ये रात में क्या सोचते हैं तो इस गाने को अगर आप सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा गाइस ये इंसान आपसे बहुत सारी ढेर सारी बातें करना चाहता है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स आ गया है और एक बहुत बड़ा धमाल कमाल देख लीजिए गाइस यहाँ पर हमें बॉटम ऑफ द डेक में मिला है लवर्स का कार्ड और ये आ गया हमारा बिंगो कार्ड और लास्ट के कार्ड ने यहाँ पर मार दिया है छक्का, है ना। तो चलिए अब आपको बताते हैं यहाँ पर रीडिंग में साइन और एलिमेंट कौन से ज्यादा आए हैं। जेमिनी स्ट्रांग है ओके क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स आया है। इसके अलावा कैप्रिकॉन स्ट्रांग है, इसके अलावा आग लगी हुई है यानी कि फायर साइन, फायरी एनर्जीज बहुत ज्यादा है। लियो सैजिटेरियस या धनु और मेष राशि है ना। उसके बाद अर्थ साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या मकर राशि, एयर साइन है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला और कुंभ राशि। तो इतने साइन और एलिमेंट आए हैं, वाटर साइन में कैप्रिकॉन स्ट्रांग है। तो रात को ये जो इंसान है आपका ये डेविल है या फिर आपका ये लवर है जो भी है वो आखिर क्या सोचता है ना, उनकी सोच कैसी है, थिंकिंग कैसी है। अब ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, लड़के लड़कियां मेल फीमेल सभी के लिए है गाइस ओके। तो मेरे को आसानी जैसे होती है मैं वैसे बात करती हूँ ठीक है, तो आपको समझना है।
फिर आप कमेंट करोगे कि दीदी आप तो सिर्फ लड़कियों के लिए रीडिंग करते हो, लड़कों के लिए रीडिंग करते हो, ऐसा नहीं है, सभी के लिए है, ठीक है, मैरिड अनमैरिड सभी, सिंगल सभी के लिए है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दो कनेक्शन निकल कर आया। पहला कनेक्शन निकल कर आया हमारा कार्मिक कनेक्शन, तो दूसरा हमारा निकल कर आया है डिवाइन का कनेक्शन, यानी कि सोलमेट का कनेक्शन। पर रीडिंग भावनाएं दोनों कनेक्शन के लिए सेम टू सेम ही है, ठीक है। बस यहाँ पर आपका रिलेशनशिप कनेक्शन जो है दो मैंने आपको बता दिया। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं, ये इंसान जो भी है, पहली बात तो आपके लिए पागल है, आपके लिए दीवाने हैं, आपका आपके आपके यू नो क्रेजी लवर, साइको लवर कह लीजिए, ऐसी टाइप की एनर्जी इस इंसान की निकल कर आई है, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट फील करते हैं। मतलब एक तो फायर की एनर्जी ज्यादा निकल कर आई है, साथ में डेविल का कार्ड निकल कर आया है, तो ये दिखाता है कि जुनून वाला प्यार है ना। ये इंसान जब भी रात को सोने के लिए जाता है ना, तब इस इंसान के जहन में आपके लिए बहुत ज्यादा इंटीमेसी वाली भावनाएं होती है, यानी कि आपके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखने की चाहत। अगर मैं आपको साफ साफ, आप सभी मैच्योर हो, ठीक है, तो मुझे आपको खुलकर बताना ही पड़ेगा। हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने, जब आप लोग रिलेशनशिप में थे, तो कुछ यू नो फिजिकल रिलेशनशिप आप में से कुछ लोगों ने किया भी होगा, क्योंकि प्यार में ये सब चलता है, प्यार में ये सब जायज भी है, अगर आपको ठीक लगता है तो। आप दोनों के बीच में अगर ये रिलेशनशिप रही है तो बहुत ज़्यादा इस इंसान को ना आपका आपका जो भी है, आपकी फिगर है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, या फिर यू नो आप दोनों के बीच में जो भी इंटीमेट मूवमेंट्स हुए थे, वो पल थे, उन पलों को आपके पोर्शन बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू का कार्ड आ चुका है। इनको ना आपकी तरह एक एडिक्शन जैसी चीज़ें हैं, यानी कि सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक ये इंसान आप में ही खो जाते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, उन पलों को मिस करते हैं, और आपके साथ इंटीमेट होने के सपने ये इंसान बहुत ज़्यादा देखते हैं जब भी ये रात को सोते हैं या सोने की कोशिश करते हैं। तो आपके साथ इनका बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी है यहाँ पर, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ें मुझे यहाँ पर ये भी लगता है गाइस कि आपको भूलने के लिए ना कुछ लोगों के पोर्शन यहाँ पर हो सकता है कि नशा भी करते हैं, क्योंकि आप अभी सेपरेशन में हो, मुझे नज़र आ चुका है यहाँ पर 10 of Swords आया है, साथ में 2 of Pentacles भी आया है ना, सॉरी यहाँ पर 7 of Pentacles भी आया है। तो इन दो कार्ड को देखकर पता तो चल गया है कि आपके इस पोर्शन ने आपके साथ हो सकता है कि कुछ चीज़ें गलत कर दी है, ठीक है, और आज अभी आप लोग सेपरेशन में हो, ब्रेकअप में हो, डिवोर्स में हो, ऐसी चीजें चल रही है, पर जुदाई ना इस इंसान से कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं हो रही है। जितना आप इनसे दूर हो उतना ही इनको आपकी तरफ जो है आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, आपके साथ वो समय है ना, वो ये सोचते हैं कि रात का पल काश मेरा पार्टनर, मेरा वो पोर्सन जिससे मैं मेरे साथ जिसका मेरे साथ रिलेशनशिप था, काश वो मेरे बगल में होता, ठीक है, यानी कि इतना ज्यादा क्लोजनेस आपके पोर्सन आपके लिए फील करते हैं, ठीक है। तो ये तो रही पहली बात। अब दूसरी बात हम करते हैं जो है सोलमेट का कनेक्शन, और वहाँ यहाँ पर आया है लवर्स का कार्ड, ठीक है। तो लवर्स का कार्ड आप जानते हो, इसमें जो है ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होता है, इसमें सिर्फ शुद्ध और प्योर भावनाएं होती है, प्यार वाली फीलिंग होती है ना, इसमें गिल्ट होता है, इसमें यू नो ये इंसान, जैसा कि यहाँ पर एक मैसेज भी आया था कि प्यार कल भी था आज भी है ना, तो ये मैसेज शायद हो सकता है कि सोलमेट कनेक्शन वालों के लिए ही भेजा गया है। ये इंसान आपको बिल्कुल भी नहीं भूल पा रहे हैं, इन्हें पता चल चुका है, रात को जब ये सोते हैं तो इनको सबसे ज्यादा यू नो आपके प्यार को ये बहुत ज्यादा मिस करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना दिल आपको दे दिया है, ये कभी भी आपसे दूर नहीं हो पाएंगे, जितना दूर होने की कोशिश करेंगे आपका प्यार इन्हें और सताएगा, जुदाई और भी इनको तकलीफ देगी। तो इनको पता चलता है कि यू नो मैंने ऐसे इंसान से दूरी बनाई है जो जिसे मैं भूल नहीं पा रहा हूं। तो रात का जो ये पल है गाइस, ये आपके प्यार में खोए रहते हैं, आपके प्यार में डूबे रहते हैं, आपके यादों में ये इंसान रहते हैं, जो होता है हमारा लवर्स का कनेक्शन, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर और क्या चीज़ें चल रही है जो आपके पोर्शन सोचते हैं, जिन्हें जो इन्हें तकलीफ दे रही है। यहाँ पर आ गया है 7 of Pentacles का कार्ड, जो दिखा रहा है कि रिलेशनशिप कहीं पर ठहरी है, कहीं पर रुक गई है, पर इस इंसान को बहुत उम्मीदें हैं, यानी कि ये एक बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, ठीक है। जहाँ पर इसका है ना नेगेटिव साइड दिखता है कि अब तो रिलेशनशिप गया, अब रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा, ये इंसान मुझे कांटेक्ट नहीं कर रहा, इस इंसान को हमारे रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं है, आपको दूर बैठकर शायद ये अंदाजा होता होगा। पर मुझे यहाँ पर दिखता है कि रिलेशनशिप जहाँ पर रुकी है वहीं पर आपके पोर्शन खड़े हैं,
यानी कि इंतजार यहाँ पर है, बहुत गहराई से चीजों को देख रहे हैं, बहुत गहराई से चीजों को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पोर्शन जब रात को सोने जाते हैं तो इस इंसान को यहाँ पर उम्मीद लगती है कि आज भले ही रिलेशनशिप यहाँ पर रुका है पर इस रिलेशनशिप में फिर से ग्रोथ होगी, क्योंकि मैंने जो है प्यार का बीज बोया है और ये बीज ऐसे ही बेकार नहीं होगी। यानी कि आपके पोर्शन ने इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाले थे, आपके पोर्शन ने यहाँ पर आपको प्यार दिया था, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, पर कुछ चीजें ऐसी हो गई जिसके वजह से रिलेशनशिप रुका है। पर आपके पोर्शन भी तो रुके हुए हैं, तो इस इंसान की एनर्जीज मुझे नजर आ रही है कि आपके पोर्शन बहुत ज्यादा इनको एक पॉजिटिव फीलिंग्स आती है रात को जब ये सोने जाते हैं कि ये रिलेशनशिप भले ही आज रुका है पर ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। तो ये एक पॉजिटिव साइन है जो आपके पोर्शन रात को बहुत ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, अगर ऐसा सिर्फ इस कार्ड के बेसिस पर मैं ये नहीं कह रही हूँ, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कार्ड्स आए हैं जो इनकी फीलिंग्स को दिखा रहे हैं ना। देखिए यहाँ पर मेरा छुनो मुनो वाला कार्ड भी आया है जो दिखा रहा है कि ये इंसान आपको किसी भी पल किसी भी हालत में आपको अपने से जुदा नहीं होने देंगे। ये जानते हैं कि आप इनके हो और इतना पैशनेट वाला रीडिंग निकल कर आया है ना पाइल नंबर वन आज का, बहुत मज़ेदार है। यानी कि देखिए आपके लिए प्यार है, आपके लिए पैशन है, जुनून है ना, आपको किसी और का होने नहीं देना है ना, ऐसी ही भावनाएं, क्योंकि इनको पता है कि ये रिलेशनशिप ये आगे बढ़ाएंगे, ये ग्रोथ होकर ही रहेगी। भले ही आज कुछ यहाँ पर डिस्टेंस चल रहा है पर आपके पोर्शन आपको ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्रेजी है, साइको है, जेलसी है इस इंसान के मन में आपको लेकर, कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं हो सकती। ये एक आपको सुनने में फिल्मी डायलॉग लगता होगा पर ये हकीकत वाली बातें हैं जो फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को देखकर मैं आपको सही ढंग से बता सकती हूँ कि जिस तरीके से ये इंसान आपको देखे हर तरीके से आपको अट्रैक्ट करना चाहता है, आपको अपने करीब रखना चाहता है, आपको घुमाने से डरता है। जी हाँ, डर की भावना भी आपके पोर्शन के मन में बहुत ज्यादा है जो रात को इनको इनके मन को खाए जाती है, कचोटती रहती है कि कहीं आप कहीं और ना चले जाओ, आप मूव ऑन ना हो जाओ, इनका जो प्यार है इनसे दूर ना हो जाए, है ना। तो ये सारी डर की भावना, जेलसी की भावना, सारी चीजें मुझे आपके पोर्शन की एनर्जीज में नजर आ रही है जो ये रात को बहुत, मैं कह देती हूँ गाइस कि ये इंसान जो भी है ना, भले ही इनका दिन जैसे तैसे कट जाता होगा, काम वगैरह करते होंगे, दोस्तों में बिजी रहते होंगे, फैमिली में बिजी रहते होंगे, पर रात का वक्त जो है इस इंसान के लिए बहुत मुश्किलों भरा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये इंसान आपके अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकता। इन्हें सिर्फ इस रिलेशनशिप को लेकर आपके साथ बिताए हुए पलों की यादें आती है, आपके साथ बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं, आपके साथ इंटीमेट भी होना चाहते हैं, पर्सनल चीज़ें भी आपके साथ करना चाहते हैं, आपके लिए प्यार भी फील करते हैं। तो बहुत सारी भावनाएं एक के बाद एक इनके दिल और दिमाग में ऐसे चक्कर काटती है और ये इंसान मुझे नहीं लगता कि जल्दी से सो पाता होगा। देखिए यहाँ पर हमें मिला है टेन ऑफ सोर्स का भी कार्ड जो दिखा रहा है कि कुछ लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिल्ट भी है, बहुत ज़्यादा गिल्ट में, क्योंकि यहाँ पर कार्मिक तो ऐसे ही निकल कर आ चुका है, तो इस कार्ड को देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं धोखाधड़ी भी हुई है रिलेशनशिप में, कुछ ना कुछ तलवारें चली है, वो भी पीछे से वार हुआ है। यानी कि आपको तो कई बातों का जो नॉलेज है इस इंसान के बारे में या इस इंसान के कैरेक्टर के बारे में, इस इंसान की फैमिली के बारे में या थर्ड पार्टी के बारे में, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि आपको लेट से पता चले, क्योंकि ये हमेशा पीछे से वार करने का कार्ड होता है ना टेन ऑफ सोर्ड्स। तो लगता है कि इन्होंने आपको धोखा भी दिया है, चीटिंग भी की है, तो रिग्रेट कितना है। देख लीजिए टेन ऑफ सोर्ड्स हमेशा एक ऐसे इंसान की एनर्जी है जो उम्मीदें खो चुका है, इन्हें पता चल चुका है। ये एक इसे इस कार्ड को भी हम पॉजिटिव वे में देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पछतावा नजर आ रहा है ना। और मुझे जहाँ तक एनर्जीज नजर आई है कार्मिक वालों ने ही ऐसा ज्यादा किया होगा, क्योंकि कार्मिक में ही चीटिंग होती है, धोखा होता है, झूठ बोलना होता है, तकलीफ देना होता है, लड़ाई झगड़े करने होते हैं। ठीक है, तो कार्मिक के लिए ये बहुत ज्यादा हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि सोलमेट वालों के लिए नहीं होगा, क्योंकि सोलमेट वाले ऐसा थोड़ी है कि धोखा नहीं देंगे, है ना। सोलमेट वाले भी धोखा देते हैं पर मजबूरी से धोखा दिया जाता है सोलमेट के कनेक्शन में, डिवाइन के कनेक्शन में, है ना। तो धोखा तो दोनों ही केसेस में हुआ है, तो इस बात का रिग्रेट आपके पोर्शन को बहुत ज्यादा होता है रात को जब ये सोते हैं कि मैंने ही गलती की, मैंने ही बैक स्टेप किया, मेरे से ही जो है चीटिंग हुई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी ही बेवकूफियों के वजह से जो है इस रिलेशनशिप में आज मेरा पोर्शन मेरे साथ नहीं है, मेरा पार्टनर मुझसे दूर हो गया है ना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो रात को देखिए बहुत सारी भावनाएं गाइस, जहां पर प्यार है, इमोशंस है, वहीं पर खुद के लिए पछतावा है, खुद के कैरेक्टर को लेकर पछतावा है, और इस इंसान
इंसान को लगता है कि शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैंने जो है सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे मिक्स इमोशंस मुझे आपके पोर्शंस की नज़र आ रही है जो ये रात को सोते वक्त फील करते हैं, महसूस करते हैं, पर कहीं ना कहीं उम्मीद भी है देखिए कि ये रिलेशनशिप फिर से ग्रो होगा। हो सकता है कि इनको ये भी डर सता रहा है कि आप इन्हें दूसरा मौका ना दो, है ना, मौका आपसे अब इनको नहीं मिल सकता। हालांकि ये वापस तो बहुत आना चाहते हैं, देखिए मैसेजेस में भी इन्होंने कहा है कि ये बहुत जल्दी आपको आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। तो इसी वजह से जो है गाइस हमें यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड मिला है जो दिखा रहा है एक नई बिगनिंग, है ना, एक नया शुरुआत जो है आपके साथ डेफिनेटली करना चाहते हैं, पर यू नो अपने आप को रोक देते हैं क्योंकि इन्हें लगता है, डर लगता है कि कहीं आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दो, है ना। इनकी गलतियां हद से ज्यादा बड़ी है पाइल नंबर वन, ये तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस रिलेशनशिप में आपको बहुत चोट मिली है, बहुत तकलीफ मिली है। ये कार्ड जब आ जाता है तो आपको सोचना है कि रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया गया है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है और धोखे के साथ रिलेशनशिप जो है ख़त्म हुई है। पर आपके पोर्शन कहीं ना कहीं फिर भी उम्मीद में है कि ये रिलेशनशिप ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता, तो नई शुरुआत करना चाहते हैं। पर यहाँ पर ब्लॉकेजेस क्या हो रखा है, ब्लॉकेजेस यहाँ पर इनकी खुद की भावनाएं हो रखी है, इनकी खुद की गलतियां हो रखी है जो इन्हें आप तक पहुंचने नहीं दे रही है। हालांकि मन में शुरुआत करने की इच्छा बहुत ज्यादा है, बहुत पैशनेट है, आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट फील करते हैं ये इंसान, तभी जाकर जो है आपको स्टॉक करना। रात का समय ऐसा होता है जब ये बिना आपके चैट्स को देखे या बिना आपके प्रोफाइल को विजिट किए ये इंसान सोता तो नहीं है, ये तो गारंटी है, क्योंकि मैसेज में भी इन्होंने कहा था कि मैं चैट्स देखता हूँ, मैं तुम्हें देखता हूँ, आज भी तुम्हारे चैट्स पढ़ रहा हूँ, है ना, तो मैंने ब्लॉक कर रखा है फिर भी जो है मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तो ये कार्ड इस बात का प्रूफ है कि रात को ये इंसान डेफिनेटली आपको स्टॉक करते हैं या फिर दोस्तों के साथ आपके बारे में बातचीत करते हैं या चैट्स करते हैं, बहुत बार कोशिश भी करते हैं कि आप तक पहुँचे, आपको मैसेज करे, पर कुछ ना कुछ हीन भावनाएं मुझे यहाँ पर नजर आ रही है जो इन्हें ये सब करने से रोक रही है। पर नई शुरुआत डेफिनेटली करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें दो टाइप का एक्शन मिला है, द फूल का एक्शन, नाइट ऑफ सोर्ड्स का एक्शन, है ना। अब ये दोनों एक्शन क्या दिखा रहे हैं, डेफिनेटली ये इंसान जो है आपके पास आना चाहता है, जो इनकी इच्छा में मुझे नजर आई है, है ना। रात को ये बहुत कोशिश भी करते होंगे आप तक पहुंचने की, तो ये इंसान डेफिनेटली वापस आना चाहते हैं गाइस, पर कुछ चीज़ों को लेकर यहाँ पर ये अपने आप को रोक रहे हैं, पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये इस एनर्जी से निकल कर डेफिनेटली आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। आप कॉन्टैक्ट करेंगे कैसे, कॉन्टैक्ट करेंगे, कुछ लोगों को फूल का कॉन्टैक्ट मिलेगा तो कुछ लोगों को नाइट ऑफ सोर्स का कॉन्टैक्ट यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये एक्शन कैसा होता है कि बचकाने टाइप का एक्शन होता है, यू नो, जहाँ पर अपनी फीलिंग्स नहीं बताएंगे, बस हंसी मजाक करेंगे, आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, बस एवे कॉल कर दिया, एवे मैसेज कर दिया, कोई फीलिंग्स नहीं है, है ना, मैं खुश हूँ, मैं मस्त हूँ, तुम भी मस्त हो, आई होप, यू नो, हाई हेलो कर दिया। तो इस तरीके से कुछ लोग वापस आना चाहते क्योंकि इनका जो गिल्ट है ना गाइस वो बहुत ज्यादा है, है ना। ये डायरेक्ट आकर आपको शायद ना कहे कि आपको इतना मिस कर रहे हैं, आपके साथ सेक्सुअल फील कर रहे हैं, आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं, है ना, आपको धोखा देने के लिए गिल्ट फील कर रहे हैं। तो ये सारी भावनाएं बताने से बचने के लिए भी कभी कभी लोग जो है फूल का एक्शन लेते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर तय कर चुके हैं कि नहीं, मुझे वापस जाना है, अगर मैंने देरी कर दी तो इसे कोई और उड़ा ले जाएगा। मेरे पोर्शन को कोई और उड़ा ले जाएगा, ये इंसान शायद मूव ऑन हो जाए। तो यहाँ पर ट्रैवलिंग बहुत नजर आई है, ये इंसान यू ना आपके पास आने के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, जो इन्होंने मैसेज में भी कहा है कि मैं तुमसे मिलना, तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, है ना, तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो ये एनर्जीज इनको रात को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अब एक और एनर्जी निकल कर आई है जो है हमारा थ्री ऑफ वैंस का कार्ड, और थ्री ऑफ वैंस का कार्ड यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि रात को जो है ना गाइज इस इंसान को एक चीज़ बहुत बुरी तरीके से खाई जाती है, और वो चीज़ें हैं इनका और आपका सपना जो आप दोनों ने साथ में मिलकर बुना था, ठीक है। मैं जानती हूँ कि जब रिलेशनशिप में कोई होता है तो हम ना फ्यूचर की भी बहुत सारी प्लानिंग्स कर देते हैं कि फ्यूचर में हमें ये करना है ना, फ्यूचर में हमें घर बनाना है, कैरियर सेटल करना है, इतने यहाँ तक कि इतने बच्चे हमें चाहिए, है ना, ये सब भी प्लानिंग्स कपल कर लेते हैं कि शादी के बाद हमें इतने बच्चे चाहिए, है ना। तो ये जो सारे सपने थे जो इन्होंने आपको दिए थे, जो वादे आपके साथ किए थे गाइस, इन सपनों को भी बहुत ज्यादा आपके पोर्शन रात के वक्त याद करते हैं कि मैंने बहुत सारे वादे इस इंसान से किए थे, मैंने इनके साथ मिलकर बहुत सारा सपना देखा था जो पूरा नहीं हुआ है, पर मुझे पूरा करना है,
जी हाँ, देखिए बहुत पॉजिटिव इस इंसान की थॉट्स इस रिलेशनशिप को लेकर है, यानी कि ये इस रिलेशनशिप में ना अभी भी स्टक एनर्जी में है, यानी कि आपको नहीं भूल पाए हैं, आपके साथ जो अट्रैक्शन है उसको नहीं भूल पाए हैं, आपके साथ बिताए हुए पलों को नहीं भूल पाए हैं, आपको जो ये प्यार करते हैं उस प्यार को नहीं भूल पाए हैं। इनकी पूरी की पूरी एनर्जी आप पर ही यहाँ पर जो है टिकी हुई मुझे नजर आती है, और रात के वक्त में ये इंसान आपके अलावा किसी भी दूसरे पर्सन को या किसी भी दूसरे रिलेशनशिप को किसी भी दूसरी चीज़ के बारे में सोचता ही नहीं है, सोचता ही नहीं है गाइस। पाइल नंबर वन, ये सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, इस धोखे के बारे में सोचते हैं जो इन्होंने किया है, वापस आना चाहते हैं पर बहुत शर्मिंदगी है जिसके वजह से ये डर रहे हैं, आपको खोने से भी डर रहे हैं, और सपने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वादे के बारे में बहुत सोचते हैं जो इन्होंने आपके साथ किए थे, और इस वादे को पूरा भी करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये इंतज़ार करते हुए नजर आए हैं, पेशेंट है थोड़ा सा इनमें, यू नो जल्दबाजी नहीं है, थोड़ा सा वक्त दे रहे हैं अपने आप को अपने सिचुएशन से निकलने के लिए, बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग ये इंसान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पर ये इंसान वापस आना ही चाहते हैं। मुझे इनके सारे के सारे मैसेजेस, जो भी इनकी फीलिंग्स जो नज़र आई है रात के वक्त में, वो सिर्फ और सिर्फ आपको लेकर है और इस रिलेशनशिप को लेकर है। तो कैसे शुरुआत करनी है, कैसे चीज़ों को ठीक करना है, कि कैसे वक्त लेना है, कैसे उस इंसान को कन्विंस करना है जिसे मैंने दर्द पहुँचाया है, तो ये सारी चीज़ें सोचते हैं। अब एक धमाकेदार बात मैं आपको बताती हूँ गाइस, जो रात को ये सोते वक्त सोचते हैं, और वो कार्ड है हमारा सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड, यानी कि आप में से कई लोगों के पोर्शन आपके साथ मैरिज तक की बातें सोचते हैं रात को, यू नो, क्योंकि देखिए बिल्कुल डेविल के कार्ड के साथ यहाँ पर हमें मिला है सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, है ना। और इस कार्ड को देखकर ये लगता है कि यू नो ये जो शादी के बाद जो एक पर्सनल वाइफ हस्बैंड के बीच में जो एक बहुत ही खूबसूरत पल होता है ना, जो मैरिज के बाद जो रिलेशनशिप होता है, उन रिलेशनशिप को लेकर है ना, ये ख्वाब भी बहुत ज़्यादा देखते हैं कि ये काश आपके साथ ही इनके साथ हो जाए, काश यू नो आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप हो जाए। शादी तक की बातें जो है ये रात को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं गाइज, यानी कि इनकी फीलिंग्स इनकी भावनाएं बिल्कुल भी गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस आपको यूज़ करेंगे, वापस आएंगे, आपका इस्तेमाल करेंगे, है ना, और फिर जो है आप आपके लाइफ से चले जाएंगे। इस बार ऐसा नहीं है गाइज, इनकी जो भावनाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जितना अट्रैक्शन है उतना ही आपको जिंदगी भर का साथ देने की भी चीज़ें इनके माइंड में मुझे नजर आ रही है। बिल्कुल मैरिज का कार्ड भी हमें मिला है, ये सक्सेसफुल होना चाहते हैं, और इनको यहाँ पर ये लग रहा है कि काश आपकी और इनकी शादी अरेंज मैरिज हो जाए, काश फैमिली वाले मान जाए, अगर फैमिली का प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में है तो ये इनकी चाहत है कि यू नो दोनों ही परिवार मिलकर आप दोनों को रिलेशनशिप में यू नो एक्सेप्टेंस दे दे, आप दोनों को जो है रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की जो है क्या कहते हैं गाइस उसे, एक मंजूरी, मंजूरी का नाम ले लूँ, हाँ मंजूरी मिल जाए फैमिली से। तो अरेंज मैरिज आपके साथ कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं, और शादी के ख्वाब भी जो है रात को ये इंसान बहुत ज़्यादा देखते हैं। इनके ओवर थिंकिंग में मुझे मैरिज भी नज़र आई है, ठीक है गाइस। तो एक ये ऐसी रीडिंग है जहाँ पर मुझे जुनून नज़र आया, जहाँ पर मुझे प्यार भी नजर आया, जहाँ पर मुझे आपके साथ शादी का कमिटमेंट यानी कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी नजर आ रही है, आपके लिए बेचैनी भी नजर आ रही है, आपके साथ किए गए वादे भी नजर आ रहे हैं, आपके साथ दिया गया धोखा भी नजर आ रहा है, आपके पास कैसे वापस आना है, इस तरीके से बेवकूफ की हरकतें करते हुए जाए या फिर यू नो कोई एक्शन लेकर जाए, क्विक एक्शन लेकर जाए, जीतने के हिसाब से रिलेशनशिप को इस तरीके से जाए। तो बहुत ज्यादा इनकी फीलिंग्स मिक्स इमोशंस में मुझे नजर आई है, और ये इंसान डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे ही गाइस, क्योंकि ये इंसान जो है आपकी वजह से बहुत परेशान है जी हाँ, आप इन्हें सोने नहीं दे रहे, ये बात तो 100% है, या तो आपका प्यार इन्हें नहीं सोने दे रहा, या फिर आपका फिजिकल जो लुक्स है, आपका अट्रैक्शन है, वो इस इंसान को सोने नहीं दे रहा। तो बहुत बेताबी मुझे नजर आई है, बहुत बेचैनी मुझे नजर आई है, छुप छुप के आपका पर्सन जो है आपका दीदार कर रहा है, आपको देख रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, और जितना आपको देखता है उतना ही ज्यादा ये अट्रैक्शन फील करता है, उतना ही ज्यादा ये प्यार फील करता है, उतना ही ज्यादा ये इंसान जल भुनकर कोयला होता है। ऐसी ही रीडिंग इस इंसान की निकल कर आई है गाइज। अब आप देखना कि आपके पोर्शन कैसे हैं, कि आपके पोर्शन आपका सोलमेट है या इनका, या फिर कार्मिक है, और कार्मिक में तो मैं कहती हूँ ना कि आग कुछ ज्यादा ही लगी होती है समझ गए, आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, भले ही फिजिकली अभी दूर है, पर सपने में ये सब कुछ कर रहे हैं आपके साथ, यू नो शादी कर रहे हैं आपके साथ, बहुत यू नो क्लोज मोमेंट, पर्सनल मोमेंट आपके साथ बिता रहे हैं, जहां तक मुझे लगता है कि बहुत सारे ख्वाब देख रहे हैं, है ना, आप
इनके साथ हो, इनके बिल्कुल इनके करीब हो, ऐसी चीजें ये इंसान बहुत ज्यादा महसूस करते हैं रात को। तो ये थी गाइज इनकी रीडिंग, आई होप आपको समझ में आई होगी इनकी फीलिंग्स की, ये रात को क्या सोचते हैं, इनकी भावनाएं कैसी होती है। और मुझे यहाँ पर नजर आया है ये इंसान वापस आएगा डेफिनेटली, या तो इस एनर्जी में वापस आएगा या फिर इस एनर्जी में वापस आएगा, पर ये इंसान वापस जरूर आएगा, क्योंकि हमें जो है इन्होंने मैसेज में ही कह दिया है कि तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, आई वॉन्ट अ कम बैक। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज। हे गाइस वेलकम बैक। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, PEH, KMO, RUP, SBY और Z, तो चलिए देखते हैं कि आखिर आपके पर्सन रात को सोते वक्त क्या सोचते हैं, उनकी भावनाएं कैसी रहती हैं, आप होते हो या नहीं उनके सपनों में, आप होते हो या नहीं उनके दिल और दिमाग में छाए रहते हो, या कैसी है एनर्जीज देखते हैं, ठीक है। क्योंकि रात का वक्त एक ऐसा वक्त होता है जब इंसान के दिमाग में ना घंटियां बजती है, टंग टंग टंग, तूने मारी एंट्री और दिल में बजी घंटियां, टंग टंग टंग, समझ गए ना। चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं क्या निकलता है, और इन मैसेजेस को हम टैरट से भी जो है मैच करेंगे, ठीक है। इन इन मैसेजेस को टैरट से मैच करेंगे कि क्या इनकी भावनाएं सच में ऐसी है जो यहाँ पर ये बताएंगे या बोलेंगे। तो चलिए मैंने कुछ मैसेजेस निकाल लिए हैं। पहले सबसे पहले रात का जो वक्त होता है, इनमें इनकी भावनाएं मैसेजेस के जरिए पहले जानने की कोशिश करते हैं। तो पॉइंट नंबर 2, रेडी हो जाओ और पॉजिटिव एनर्जी में रहो, ठीक है। तो देखिए पहला मैसेज है, आई एम सॉरी आई मेड एवरी थिंग कॉम्प्लिकेटेड। तो सबसे पहले जो रात को जब ये सोने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले इनके मन में कौन सी फीलिंग्स आती है, फीलिंग्स आती है एक हीन भावना, गिल्ट, पछतावा, तकलीफ, दर्द, जिसे आप कहते हैं धोखेबाजी, समझ गए। यानी कि ये रीडिंग उन लोगों के लिए है, पहला मैसेज, जहां पर आपके पर्सन ने हर चीज बर्बाद कर दिया, हर चीज तबाह कर दी, रिलेशनशिप को बहुत पेचीदा कर दिया। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या होता है, पेचीदा होना, है ना। तो ये इन सारी चीजों के लिए आपसे सबसे पहले माफी मांग रहे हैं। इनको जो है हो सकता है कि डायरेक्ट इन्होंने आपसे माफी नहीं मांगी है, पर ये जो है जब भी रात को जाते हैं, बेड पर जाते हैं, इन्हें लगता है कि मेरी ही वजह से सब कुछ यहाँ पर पेचीदा हो गया, रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस हो गई, और ये जो है बहुत ज्यादा पछतावा करते हैं, इन्हें जो है अपने आप को ये सॉरी फील करते हैं, ठीक है। आपको नहीं बता पाते पर खुद में यहाँ पर गिल्ट है गाइस, ठीक है। तो पहली भावना ये है जो रात को ये सोचते हैं। अब देखते हैं दूसरे मैसेज को, डू यू लव मी। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त और कन्फ्यूजिंग, यानी कि कन्फ्यूजिंग वाली एनर्जी है, यानी कि यहाँ पर इस इंसान को ना डाउट हो रखा है, क्योंकि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों का बातचीत नहीं होता अपने पर्सन के साथ, है ना, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, मिल नहीं पा रहे हो, है ना। तो इन्हें जो है आपको लेकर एक शक वाली भावना हो रही है कि पता नहीं ये इंसान मुझसे अब प्यार करता भी नहीं है, क्योंकि मैंने देखी इन दो मैसेज को अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको इनकी भावना पता चल जाएगी। यहाँ पर ये कह रहे कि मैंने सब कुछ बहुत गलत कर दिया, मैंने सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, पेचीदा कर दिया, तो क्या ये इंसान मुझसे अभी प्यार करता होगा। देखिए कितनी मैच होती है ना, क्योंकि यहाँ पर इन्हें शक हो रहा है कि गलतियां मेरे से हुई थी, अब पता नहीं ये इंसान मेरे से प्यार करता भी है या नहीं, पता नहीं ये इंसान शायद किसी और से प्यार करने लगा है, क्या ये इंसान अब मेरे लिए इंतजार कर भी रहा होगा नहीं। तो यहाँ पर ये जो सवाल निकला है वो सवाल इस गलती की वजह से निकला है, समझ रहे। तो सबसे पहले इनकी भावनाओं में रात को ये चीजें होती है, जहां पर गलती है वहां पर एक डाउट है, एक शक है कि ये इंसान पता नहीं अब मेरे लिए रुका हुआ भी है या नहीं। तो देखते हैं आगे क्या बोलते हैं ये, क्या तुम्हें मेरी याद आती है या भूल चुके हो। ओह माय गॉड, ये रीडिंग तो जो है कमाल धमाल और मालामाल होने वाली है, क्योंकि तीनों ही देखे एक के बाद जो एक मैसेज आए हैं वो सिर्फ ये दिखा रही है कि ये इंसान बहुत डरा हुआ है, समझ गए, बहुत डरा हुआ है, आपको खोने से डर रहा है, आपको इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको घुमा दिया है, लॉस हो चुका है, प्यार नहीं रहा, प्यार मुझसे चला गया है दूर, है ना। क्या तुम्हें मेरी याद आती है या भूल चुके हो,
क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि इनको आपकी बहुत याद आती है और रात के वक्त ये आपको बहुत याद करते हैं, और सबसे पहली फीलिंग यही है कि ये इंसान तो अब गया, ये इंसान शायद अब मुझसे प्यार नहीं करता, इस इंसान को अब मेरी याद नहीं आती। और यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बताऊँ, हो सकता है कि आपने ना इन्हें आप वैल्यू देना छोड़ दिया है। मुझे इनकी ये एनर्जी देखकर यही लगता है कि आप पहले की तरह इनके सामने गिड़गिड़ाना ऐसी चीजें नहीं करते, है ना, पहले की तरह आप रोते नहीं हो इनके सामने, मुझे अनब्लॉक कर दो, मुझे कॉल करो, मेरे मैसेज क्यों नहीं उठा रहे। हो सकता है कि आप भी थक गए हो कहीं ना कहीं, तो इनको ज्यादा ध्यान नहीं देते, इसी वजह से ना ये बहुत अच्छा चीज हुआ है। अगर आप ऐसा कर रहे हो ना गाइस, तो ये बहुत अच्छी चीज हुई है, क्योंकि इंसान को ना उनका जो उनका प्लेस, उनकी जगह दिखाना बहुत जरूरी है कि तुमने मेरे साथ क्या गलत किया है, तुम्हें तुम आज जो भुगत रहे हो वो तुम्हारी ही करनी है, तुम्हारी ही वजह से हुआ है। तो हो सकता है कि आपने इनको लेट गो कर दिया है, ज्यादा आजकल भाव नहीं देते हो आप इनको, तब तभी जाकर ये इंसान डर रहा है कि आप इन्हें प्यार करते हो या नहीं, है ना, मुझसे गलतियां हो गई थी, अब ये इंसान मुझे याद करता भी है या नहीं। तो ये सारी चीजें देखिए, एक के बाद जो है इनकी फीलिंग्स वही नजर आ रही है मुझे। फाइल नंबर टू, मेरी गलतियों की सजा आपने आपको मत दो। मैं बता रही हूँ गाइस, देखिए देखिए यहाँ पर बस ये इंसान पछतावे में है, रिग्रेट में है ना। रात को तो ये इंसान बहुत ज्यादा, यू नो, इतना ज्यादा परेशान हो जाता होगा ये इंसान कि मुझसे गलती हो गई, मैंने गलतियां कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी गलतियां इतनी ज्यादा है कि ये इंसान अब मुझे प्यार नहीं करता, ये इंसान मुझे अब भूल चुका है, ये इंसान मुझसे दूर हो चुका है ना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मेरी गलतियों की सजा आपने आपको मत दो, ये इंसान, इस इंसान ने आपके साथ बहुत गलत किया है, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, वरना कोई इंसान इतना डरेगा नहीं। अगर उनसे गलती नहीं हुई होती तो ये इंसान डरता नहीं, पर ये इंसान डर रहा है, आपको खोने से डर रहा है, समझ गए। बहुत ज्यादा हीलिंग इस इंसान को चाहिए। काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए, देख लीजिए गाइस, ओ माय गॉड, ये इंसान तो ना, मुझे लग रहा है कि इस इंसान ने ना अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी दे मारी है, समझ गए। अब जाकर इस इंसान को रह रहकर हर चीज याद आ रही है ना, कि काश पहले जैसा सब कुछ हो जाए। हो सकता है कि इनको हिम्मत नहीं पड़ रही आपको आकर बताने की कि ये आपसे, आपके, आपको पाना चाहते हैं, आपको याद कर रहे हैं, ये जानना चाहते हैं कि आप इनसे अभी भी प्यार करते हो या नहीं, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, पर मन में भावनाएं हैं, है ना। रात को सोने जाते हैं तो ये सोच रहे हैं कि काश सब कुछ पहले जैसा खूबसूरत हो जाए आप दोनों के बीच में, सब कुछ बराबर हो जाए, जो भी गलतियां हो जाए, काश वो टाइम, यू नो, चेंज हो जाए, वो वक्त जो है भूल, यू नो, दिमाग से, आपके दिमाग से भी निकल जाए, इनके दिमाग से भी निकल जाए, और सब कुछ पहले जैसा खूबसूरत हो जाए। और ये एक निशानी है कि ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं गाइस, ठीक है। ये एक देख लीजिए, उम्मीद है इस इंसान को मन में। वाह, क्या कार्ड्स निकले हैं, क्या मैसेज निकले हैं गाइस, यू आर माई लव, ये कह रहे कि यू नो, ये जो है आप जो है इनका प्यार हो, यानी कि जब रात को ये जाते हैं सोने के लिए जाते हैं, तो इन्हें लगता है, मन में भावनाएं आती है कि यही तो वो इंसान था जिसे मैं प्यार करता हूँ, है ना, या करती हूँ, है ना, ये तो मेरा प्यार था, पर इस प्यार को मैंने आज अपने से दूर कर दिया, और मेरी ही गलतियों की वजह से ये दूर हुआ है। तो अपने आप को एक सेल्फ रियलाइजेशन होना, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। और मुझे तो यहाँ पर जो जो भी निकल कर आया है, सिर्फ इस इंसान में एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है, ये नजर आ रही है ना, क्योंकि यहाँ पर ये इस इंसान को गलतियों का एहसास हो रहा है ना। तो इन्हें जो है आपका प्यार समझ में आ रहा है, और ये जो है रात को सोते वक्त यही सोचते हैं कि ये तो मेरा वो इंसान है जिससे मैं प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार करता हूँ, पर मेरी गलतियाँ इतनी भयंकर हो चुकी है कि मुझे पता नहीं कि ये इंसान अब मुझसे प्यार करता भी है या नहीं। तो देखेंगे टैरेट से निकाल करके यहाँ पर जो भावनाएं निकली है, क्या टैरेट में भी सेम वही भावनाएं होंगी इनकी। तुम्हें, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत प्यारी हो, तो अब जाकर इस इंसान को लगने लगा है कि आप बहुत अच्छे थे, आप इनके लिए परफेक्ट थे, है ना, पर इनसे जो है गलतियां हो चुकी है, अब पता नहीं आपका प्यार इन्हें मिल पाएगा या नहीं। कहीं ना कहीं ये इंसान शर्मिंदा है गाइस, गिव मी अ चांस, देख लीजिए, मैंने अब भी सेंटेंस यूं बोला ही था कि ये इंसान बहुत शर्मिंदा है, आपसे प्यार करता है, पर ये इंसान, यू नो, आपसे कह नहीं पा रहा, और रात को ये सोचते हैं कि काश मुझे एक मौका मिल जाए, सेकंड चांस मुझे मिल जाए, इस रिलेशनशिप में सब कुछ पहले जैसा हो जाए, है ना। तो ये उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं से हो सकता है कि आपका और इनका रिलेशनशिप पहले जैसा बन जाता, काश, है ना, एक मौका जो है मुझे मिल जाता अपनी गलतियों को सुधारने का। तो गाइज, आपको ये कितना प्यार करते हैं या नहीं करते हैं ये मुझे नहीं पता,
पर मुझे यहाँ पर सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि रात को सोते वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रोसेस में होता है, ये इंसान बहुत ज़्यादा पछतावे में होता है, इस इंसान को रह रहकर अपनी सारी किए गए गलतियों का एहसास होता है। तो रिग्रेशन कंप्लेन्स, अपने आप को ही दोष देना, अपनी ही गलतियों को, अपनी ही अपने ही को सजा दे रहे ये इंसान, ऐसा मुझे लग रहा है पाइल नंबर टू कि बहुत रिग्रेट में है ये इंसान। मौका चाहते हैं आपसे, होप वी विल मीट सून। तो ये रात को ये भी ये सोचते हैं कि काश हम जल्द मिले, मुझे उम्मीद है कि मैं इस इंसान से फिर मिल पाऊंगा, है ना। तो उम्मीदें इन्होंने कहीं ना कहीं बरकरार रखी है, ये बिल्कुल भी आपको आपसे डिस्कनेक्ट नहीं हुए हैं गाइज, ठीक है। आपको प्यार करने से भी ज़्यादा इस इंसान को आपको खो देने का डर बहुत ज़्यादा सताता है रात को, ये है इनकी रात की फीलिंग जो मैसेज में मुझे नजर आई है। सब सब है आसपास, बस तुम नहीं हो। तो देखिए, जब ये अकेलापन एक ऐसी चीज़ होती है ना गाइस, जो बहुत बुरी तरीके से दिमाग की तरह खाती है, ठीक है। अब जैसा कि हम कहते हैं कि दिन में तो हम दोस्तों से मिलते हैं, फैमिली में बिजी होते हैं, काम में बिजी होते हैं, पर रात का एक ऐसा वक्त होता है जब इंसान को फ्लैशबैक होता है, सारी यादें ताज़ा हो जाती है, अपना अपना प्यार याद आता है, अपना किया गया गलतियाँ भी जो है रात को याद आता है, इंसान सो नहीं पाता। और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये इंसान अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है जब ये रात को सोने जाता है। इनको लगता है कि दुनिया भर की भीड़ इनके आसपास है, कहने को सभी है, पर आप नहीं हो तो इनकी लाइफ में कुछ नहीं है। यानी कि आपको अपने पास, जहाँ पर ये सोते होंगे ना, आपको अपने पास ही इंसान चाहते हैं, पर जब वो आपको नहीं देखते हैं उस जगह पर, तो इस इंसान को लगता है कि मेरी दुनिया में कुछ है ही नहीं, कहने को सब कुछ है पर कुछ भी नहीं है। यानी कि इतना कैन यू फील, कैन यू इमेजिन द एम्प्टीनेस। आप क्या, मुझे यहाँ पर इन मैसेज से सिर्फ इनका खालीपन नज़र आ रहा है, इनका अकेलापन नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये आपको अपने करीब पाना चाहते हैं, पर जब आपको नहीं देखते हैं तो ये बहुत मायूस हो जाते हैं। और इनको जो है इस बात का एहसास है कि ये मेरी ही वजह से हुआ है। आज अगर मेरा पोर्शन मेरे साथ में, मेरे बेड में नहीं है, या फिर मेरे लाइफ में नहीं है, तो उसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, ठीक है। तो गलतियाँ, रियलाइजेशन, आपको खो देने का डर, रात को सबसे बड़ा एहसास है जो मुझे इनके मैसेज से नजर आया है। तो चलिए अब देखते हैं टैरट से क्या ये फीलिंग्स मैच होती है जो यहाँ पर इन्होंने कहा है मैसेज के जरिए। मुझे तो बहुत बुरी तरीके से आपको खो देने का डर इस इंसान के जहन में नजर आया है पाइल नंबर टू। देखते हैं टैरट में क्या निकल कर आता है। ओह माय गॉड, हेरोफेंट। देखिए गाइस, मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे इन मैसेज को देखते साथ ही मैंने आपसे कह दिया था कि इस इंसान को ना पछतावा बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस इंसान की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, अवेकनिंग हो गया है। यानी कि जब इंसान को कभी भी पछतावा जैसे जब पछतावा ये वर्ड होता है, जब यूज होता है ना, इसका मतलब क्या है कि इस इंसान में स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गई। इन्होंने जो है गलत और सही के बीच का जो पहचान होता है ना, वो पहचान इस इंसान को हो चुकी है। मैंने यही कहा था ना, यहाँ पर गिल्ट बहुत है, पछतावा बहुत है, खुद को दोष देना है। यानी कि अब जो है इस इंसान को आप में गलतियाँ नज़र नहीं आती, इन्हें जो है खुद में गलतियाँ नज़र आती है कि मेरे वजह से हुआ है। तो देखिए, मैंने जो कहा था वही फर्स्ट कार्ड हमें हेरोफेंट का नज़र आया है, और इनमें जो है डेफिनेटली 100% स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आध्यात्मिक जो है एक चेंज होता है, बदलाव होता है नजर आया है गाइस। डेफिनेटली ये इंसान बहुत बदल गया है, बहुत बदल गया है। अगर ये आपको पहले दोष दिया करता था कि तुम गलत हो, है ना, तुम सही नहीं हो मेरे लिए, अगर ये ऐसी बातों पर आपके साथ झगड़े किया करता था, तो आपको सोचना है कि अब ये इंसान ऐसा नहीं रहा। इन्हें लगता है कि ये ही गलत थे, इनकी वजह से ही आपको आज इन्होंने गुमा दिया है, खो दिया है।
देख लीजिए कार्मिक कनेक्शन। और मजेदार बात यहाँ पर ये है गाइस कि यहाँ पर हमें दो मेजर अरकाना से कार्ड निकलकर मिले हैं, ठीक है, डेविल और हेरोफेंट। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है। ओ माय गॉड, इतने बड़े बड़े कार्ड निकल कर आए हैं। द स्टार, देखिए गाइज मुझे तो लगता है कि आज की रीडिंग मेजर अरकाना की रीडिंग होने वाली है। यहाँ पर तीन कार्ड जो है मेजर अरकाना से मिले हैं और व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी बड़ा कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है। वाओ, मैंने कहा था ना गिव मी अ चांस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया। देखिए इस इंसान को मौका चाहिए, बस सिर्फ मौका चाहिए आप तक पहुंचने का, मौके की तलाश कर रहे हैं ये। फाइव ऑफ पांडे, और देख लीजिए फाइव ऑफ पांडे फाइव ऑफ पैंटिकल्स आ गया है। मैंने कहा ना, डू यू लव मी, क्या तुम्हें मेरी याद आती भी है या भूल चुके हो, तो इसका मैसेज है वो वाला कार्ड फाइव ऑफ पैंटिकल्स। क्या खूबसूरत है भाई। नाइट ऑफ पैंटिकल्स, ओके नॉट बैड। ओवरथिंकिंग तो बहुत जबरदस्त है, इतना सोचते हैं ये इंसान। देख लीजिए फिर से बड़ा कार्ड आ गया, मैजिशियन का कार्ड स्टार के कार्ड के नीचे। आज की ये पाइल नंबर टू की रीडिंग ना, ये बहुत डिवाइन वाली रीडिंग है, समझ गए, डिवाइन वाली रीडिंग। यानी कि ऊपर वाला वाला चाहता है कि ये सारी चीजें जो मेजर अरकाना से यहाँ पर निकल कर आई है वो आपकी लाइफ में हो, और ये चीजें होकर ही रहेंगी, समझ गए गाइस, होकर ही रहेंगी ये चीजें। और यहाँ पर जो फीलिंग्स है वो डेफिनेटली है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। क्वीन ऑफ वैंड्स आ गया, पेज ऑफ कप्स। चलिए लास्ट कार्ड निकालते हैं। हैंगमैन, ओहो, और बॉटम में फाइव ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, रूल कर रही है, और सब है आसपास बस तुम नहीं हो, ठीक है, देख लीजिए। तो चलिए आपको साइन और एलिमेंट बता देते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत बड़े कार्ड्स आए हैं यहाँ पर आज की रीडिंग में, मुझे नजर आ रहा है कैप्रिकॉन स्ट्रांग, एक्वेरियस स्ट्रांग, टॉरस स्ट्रांग, ठीक है। इसके अलावा जो है वाटर साइन है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, कर्क वृश्चिक मीन राशि, अर्थ साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या और मकर राशि, फायर साइन है लियो सैजिटेरियस, धनु और मेष राशि, और एयर साइन भी है यहाँ पर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला और कुंभ राशि गाइस। तो ये तो रहे आपके पोर्शन के साइन और एलिमेंट। अब देखते हैं कि इस इंसान को रात को आखिर कौन सी चीज़ें ज़्यादा याद आती है जो ये इंसान भूल नहीं पा रहा, ओवरथिंकिंग करता होगा सोने से पहले, तो वो कौन सी सारी चीज़ें है गाइस, ठीक है। अब मैंने आपको मैसेज तो इनके सारे बता दिए कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या चीज़ें सोचते हैं आपके पोर्शन। तो इन मैसेज को देखकर जब मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डरा हुआ है ना, मैंने कहा ना कि आप इनसे प्यार करते हो या नहीं, आप इन्हें मौका दोगे या दोगे भी या नहीं, हो सकता है कि आप इनसे दूर हो गए हो। तो इस मैसेज को दो कार्ड यहाँ पर ऐसे निकल कर आए हैं जो प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, कि इस इंसान को आपको खोने से कितना ज़्यादा डर लगा हुआ है। पहले एनर्जी क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, जब ये आपके बारे में रात को सोचते हैं ना तो इनको लग रहा है कि आप बदल गए हो। जी हाँ, पहली फीलिंग्स देख लीजिए कि कहीं आप बदल तो नहीं गए, आप इन्हें वैल्यू नहीं देते, आप इनके कॉल्स का इंतज़ार नहीं करते, आप इन्हें जो है परेशान नहीं करते, आपने इनका पीछा करना छोड़ दिया है। तो ये चीज़ें इस इंसान को बहुत
ज्यादा डरा रही है, और यही सारी चीजें मैसेज में निकल कर आए हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स इमोशनल डिटैच, यानी कि इनको लग रहा है कि आप इन्हें आहिस्ता आहिस्ता भूल रहे हो, आप इनसे दूर हो रहे हो, है ना, आप पहले जैसा प्यार इन्हें नहीं करते। देखिए बिल्कुल यही मैसेज तो है ना, डू यू लव मी, यहाँ पर ये आया था। और साथ में क्या तुम्हें मेरी याद आती भी है या तुम भूल चुके हो, यानी कि आपको कठोर महसूस कर रहे हैं आपके पोर्शन। तो ये एक बहुत बड़ी डर है जो टैरेट में भी निकल कर आई है और यहाँ पर जो है इनके मैसेज में भी निकल कर आया है कि ये बंदा मुझे प्यार नहीं करता अब, ये बंदा बदल रहा है, ये बंदा बहुत टफ हो गया है, हार्ड हो गया है, पत्थर बन रहा है ना, और मुझसे हर पल हर वक्त दूर जा रहा है, पता नहीं ये इंसान मुझे आप प्यार करता भी है या नहीं। और ये फीलिंग्स क्यों आई है, ये फीलिंग्स आई थी क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, इन इनसे जो है बहुत गलतियां हुई है जिसका पछतावा इनको रात को बहुत ज्यादा है। तो वजह ये है गाइस कि ये आपको खोने से डर रहे हैं, इनको लग रहा है कि या तो आपको खो चुके हैं या ये आपको कभी वापस नहीं पाएंगे, या फिर जो है आप इन्हें दूसरा मौका दोगे भी या नहीं। तो समझ गए, बिल्कुल मैच हुई है गाइस इनकी ये फीलिंग्स जो इन्होंने मैसेज में भेजी थी। तो रात को बहुत ज्यादा आपको लेकर डर रहे हैं आपके पोर्शन कि आप इनसे दूर हो चुके हो या इन्होंने आपको खो दिया है। अब देखिए दूसरी बातें करते हैं, बहुत ज्यादा परेशानियों से घिरे हुए हैं आपके पोर्शन। हैंगमैन का कार्ड आया है, यानी कि इस कार्ड को देखकर लग रहा है कि आपके पोर्शन कि जिंदगी में ना कुछ चीजें आगे नहीं बढ़ रही है ना, इनको लग रहा है कि इनसे जो गलतियां हुई या फिर इन्होंने जो सैक्रिफाइस किया उसके वजह से गाइस इस इंसान को रास्ते नहीं समझ में आते। ये आपके पास आना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, है ना, आपको खोने से डर रहे हैं, पर इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा कि ये बढ़े आपकी तरफ तो कैसे बढ़े, कौन से रास्ते से बढ़े, कौन से प्लानिंग्स अपनाए, कौन से ट्रिक्स लगाए ताकि आप इनको एक मौका दे दो, क्योंकि इन्हें जो है लग रहा है कि आप इन्हें मौका नहीं दोगे। ठीक है, तो इनकी जिंदगी कहीं ना कहीं बहुत जरा रुक गई है, जहां पर दिमाग बिल्कुल सुन पड़ा हुआ है, रास्ते ब्लॉक्ड हो रखे हैं और ये जो है कोई भी रास्ता सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो बहुत परेशान हो जाते हैं रात के वक्त, जहां इनको ना एक कैसे एनर्जी में ये इंसान हो जाते हैं कि दम घुट रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जिंदगी आगे कहाँ जानी है, प्यार को कैसे वापस पाना है, इतनी सारी गलतियां हो चुकी है, अब पता नहीं प्यार मिलेगा या नहीं। तो बहुत चीजों को लेकर ओवरथिंकिंग, ओवर फीलिंग्स इस इंसान के दिल और दिमाग में मुझे नजर आ रही है गाइस, यानी कि आप तक पहुंचने का रास्ता नहीं समझ पा रहे आपके पोर्शन, ऐसी एनर्जी इनकी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है गाइस। पर अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा पर है, और वो पर क्या है गाइस ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए इस इंसान को जैसा कि मैंने कहा कि कहीं ना कहीं रास्ते नहीं समझ में आ रहे, ब्लॉकेजेस नजर आ रहे हैं, है ना, क्योंकि इन्होंने जानबूझकर या फिर अनजाने में आपको सैक्रिफाइस कर दिया, आपको खो दिया है, आपको गुमा दिया है, पर बहुत ज़्यादा ये इस इंसान को उम्मीद है कि आप इन्हें एक मौका ज़रूर दोगे। ठीक है, आप इन्हें एक मौका ज़रूर दोगे, क्योंकि हमें यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड मिला है, स्टार का भी कार्ड मिला है। अब यहाँ पर यही नज़र आता है ना कि इस इंसान की जहन में जो भी सोच है आपको लेकर कि आप बदल रहे हो, है ना, पर इंतजार ये इंसान कर रहे हैं कि इनको उम्मीद है कि आप एक ना एक दिन इनके प्यार को समझोगे, आप इनके द्वारा किए गए सैक्रिफाइसेस को समझोगे, आप इनके साथ इनके द्वारा हुई गई गलतियों को माफ कर दोगे, वक्त डेफिनेटली बदलेगा और आप दोनों का जो किस्मत है वो बहुत अच्छा रहेगा, पॉजिटिव चीजें होने वाली है। तो आपको लेकर पॉजिटिविटी का इन्होंने भरोसा यहाँ पर किया हुआ है कि आप इतनी आसानी से इन्हें नहीं भूल सकते, आप दोनों का रिलेशनशिप इतनी आसानी से ब्रेक नहीं हो सकता, इस रिलेशनशिप में बहुत उम्मीदें हैं, इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इतनी आसानी से ये रिश्ता तो टूट नहीं सकता, मुझे एक मौका जरूर मिलेगा। ये है वो एक होप, वो उम्मीद जो आपके पोर्शन बहुत ज्यादा रात को सोचते हैं, यानी कि यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, यहाँ पर तो जो है एक चांस मिलने की ख्वाहिश से मुझे आपके पोर्शन की एनर्जीज में नजर आई है, और इन्हें यहाँ पर वक्त का इंतजार है कि इन्हें ये वक्त ये मौका आपकी तरफ से जरूर मिलेगा, और जो भी चीजें पहले गलत हो चुका है ना, वो चीजें बदल जाएगी, सब कुछ पहले जैसा काश हो जाए, जो इन्होंने यहाँ पर मैसेज में भी आपको कहा है कि काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए। देखिए इन इन तीन कार्ड्स को आप देखिए, आपको पता चलेगा कि आपके पोर्शन ना उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, इन्हें तो उम्मीद है कि आप इन्हें मौका दोगे, आपका और इनका रिलेशनशिप जो है फिर से आगे बढ़ेगा, जो भी गलतफहमियां थी वो गलतफहमियां हटेंगी और आप दोनों का मिलन फिर से होगा। देखिए
ठीक है, तो बहुत पॉजिटिव ये इंसान सोच रहे हैं, हालांकि डर भी रहे हैं, पर उम्मीदों में यहाँ पर आपके पोर्शन है। आप कुछ आउट ऑफ द ट्रैक जाकर बातें करते हैं गाइस, जो है इनकी फीलिंग्स आपको लेकर। यहाँ पर डेविल का कार्ड आ गया है, तो आप में से हो सकता है कि कई लोग कार्मिक रिलेशनशिप में भी हो, ठीक है। पर अच्छी बात यहाँ पर ये है कि आपका ये डेविल बदल रहा है, आपका ये डेविल सुधर रहा है। आपका ये इंसान जो कल तक है ना नशे में रहता था, हो सकता है कि इनको एडिक्शन थी कुछ चीज़ों को लेकर, शराब पीने की, सिगरेट्स पीने की, या लड़कियों की तरफ या लड़कों की तरफ अट्रैक्ट हो जाना जल्दी से, प्ले बॉय या प्ले गर्ल की जैसी एनर्जीज इस इंसान की थी। आपके होते हुए किसी के साथ रिलेशनशिप रख लेना, आपको धोखा दे देना, आपको चीट कर देना। देखिए दोनों ही कार्ड्स मेजर अरकाना से निकल कर आए हैं, और दोनों ही कार्ड्स जो है यहाँ पर दिखा रहे हैं कि इस इंसान में बहुत ज्यादा बदलाव है, ठीक है। एक डेविल यहाँ पर, एक जो है हेरोफेंट की एनर्जी में है, यानी कि इनमें स्पिरिचुअल ग्रोथ हो चुका है। क्योंकि हर एक जो भी यहाँ पर एक एक मैसेज निकल कर आया है, वो सब दिखा रहा है कि इस इंसान को पछतावा हो रहा है, ठीक है। पछतावा का ही था सब बात यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपको नजर आ गया कि हाँ डेफिनेटली इस इंसान में पछतावा है। पहले ही आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते थे, है ना। अट्रैक्शन तो आज के डेट में भी है, रात को जब ये सोने जाते हैं, सोने की कोशिश करते हैं, तो आपकी हर चीज़ें जो है इनको अट्रैक्ट करती है ना। आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन भी है, पर यहाँ पर एक बात चेंज हुई है, एक बात ये चेंज हुई है गाइस कि इस अट्रैक्शन के साथ साथ अब ये आपके लिए बहुत सारा प्यार भी महसूस करते हैं, समझ गए। आप पहले जैसे एनर्जीज नहीं रही गाइस, है ना। इस इंसान को अपनी गलतियों का एहसास है कि मैंने जो है पहले सिर्फ टाइम पास किया, मैंने सिर्फ इनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया, पर अब जो है मैं इनसे प्यार करने लगा हूँ, मैं अब इनके बिना नहीं रह पाता, मैं जो है इनसे सच्चा प्यार करने लगा हूँ। तो ये अवेकनिंग आपके पोर्शन में हो चुकी है, ठीक है। आप सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है ना, कि आपको किस कर रहे हैं, आपके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रख रहे हैं, आपकी आंखें खूबसूरत हैं, आपके बाल अच्छे हैं, ऐसी चीज़ें तो इनको अट्रैक्ट करती ही है। पर इनके साथ साथ इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत रिस्पेक्ट है आज की डेट में, ओके। और ये रात को जब सोते हैं तो ये दोनों ही भावनाएं आपके लिए बहुत ज़्यादा जोर मारती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है पासा पलटा है, ठीक है। एक बुरा इंसान अच्छा इंसान में तब्दील हो रहा है, आपकी हर चीज़ इनको अच्छी लगती है, आपका शरीर जितना इनको पसंद है, आपका दिल उतना ही पसंद है। यानी कि ये इंसान है ना गाइज जो बदल रहा है, ठीक है। तो आप देखते हैं और क्या चीज़ है गाइस, ये रात को जब सोने जाते हैं, इस इंसान के मन में एक बहुत बड़ी फीलिंग है, बहुत बड़ी बात ये इंसान सोच रहे हैं, और वो है आपके साथ मैरिज करना। यानी कि आपको कैसे पाया जाए, आपके साथ जीवन कैसे बिताया जाए, आपके साथ शादी कैसे हो जाए, क्योंकि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। हेरोफेंट हमेशा लव मैरिज को दिखाता है, लव मैरिज की तरफ इशारा करते हैं करता है ना। यानी कि इनको आपके साथ लव मैरिज करनी है, पर यहाँ पर समस्या क्या है, यहाँ पर इस इंसान को समझ में नहीं आता कि कैसे आखिर मैं इनसे शादी करूँ तो मैं कैसे करूँ, मुझसे गलतियाँ बहुत हो गई है, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत है ना, मैं मुझे रास्ते नहीं समझ में आ रहे। इसी वजह से गाइस आपके पोर्शन दिल में ये भावना रखते हुए भी अभी जो है उस एक्शन की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इनको सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा, इनको समझ में नहीं आ रहा। तो ये मैनिफेस्टेशन भी बहुत करते हैं, जब ये रात को सोने जाते हैं ये आंखें बंद करते हैं, 100% आंखें बंद करते हैं, आपके और इनकी रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, है ना, जो इनसे गलतियाँ हुई उसके बारे में सोचते हैं, ऊपर वाले से माफिया मांगते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब ही यही होता है ना, ऊपर वाले से माफिया मांगना और मैनिफेस्टेशन करना कि मुझे मेरे प्यार के साथ जिंदगी बितानी है, मुझे उनके साथ शादी करनी है, पर मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। तो ऊपर वाले से बहुत ज़्यादा ये मैनिफेस्ट भी करते हैं रात के वक्त, और ये बात है 100% सच, क्योंकि मेजर अरकाना का कार्ड कभी झुटला झुटलाया नहीं जा सकता, ठीक है गाइज। देखिए आपको तो ना ये एक विश की तरह मांग रहे हैं, है ना, ऊपर वाले से ये कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक सपना है, और वो सपना है अपने प्यार को पाना, है ना। पर यहाँ पर रास्ते बहुत मुश्किलों भरे हैं, तो आपको तो एक वरदान मांगते हैं, खूबसूरत सा तोहफा है, आप तोहफा हो आप इनके लिए, और तोहफे की तरह ही जो है ये आपको मांग रहे हैं। और रात का वक्त इनका ज़्यादातर जो एनर्जीज है वो एनर्जीज सिर्फ और सिर्फ आपको मांगना ही, यू नो, ऊपर वाले से आपको मांगना, इनकी प्रॉब्लम से जो है निजात इनको मिलना, सॉल्यूशन इनको मिलना, यही सारी चीज़ें रात के वक्त ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं गाइस। एनी हाउ इनको आपको पाना ही है, एनी हाउ इनको एक मौका चाहिए आपसे, और यही सारी चीज़ें रात को बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ दे रही है गाइस, ठीक है। आगे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, देखिए। और जैसा कि मैंने कहा, हैंगमैन का कार्ड यहाँ पर आया है ना, आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर कुछ चीजें ऐसी है जो इन्हें अभी रोक रही है।
चाहिए, इसी वजह से हमें थिंक का कार्ड मिला है, सोच का कार्ड मिला है, ठीक है। तो ये इंसान वापस डेफिनेटली आएंगे, पर हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा वक्त लगे, और वक्त थोड़ा सा लगे या ना लगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे कार्ड्स आए हैं जो पासा तुरंत पलट सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें मिला है मैजिशियन का कार्ड, साथ में हमें मिला है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, तो ये दिखा रहा है कि यू नो एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन, किसी भी वक्त जो है इस इंसान का या यहाँ पर जो रुका हुआ स्टक एनर्जी है वो एक्शन में तब्दील हो सक्ता है, एनी टाइम हो सकता है, ठीक है। आपके पोर्शन चाहते हैं इस रिलेशनशिप में एक जादू हो, एक चमत्कार हो, जिस चीज से चीज़ों की उम्मीदें ये खो चुके हैं उस चीज़ों में जो है ऊपर वाला ही इनकी मदद कर सकता है, तो बहुत ज़्यादा होपफुल है, समय का इंतजार कर रहे, टाइम का इंतजार ये इंसान कर रहे हैं। और मैजिशियन का कार्ड एक आपकी एनर्जी भी दिखा रहा है कि ये इंसान आपको लेकर बहुत ज्यादा ये एक आप इन्हें इस तरीके से अट्रैक्ट करते हो ना गाइस कि ये आपको भूल नहीं पा रहे, ठीक है। डेविल का कार्ड आप देख लीजिए, मैजिशियन का कार्ड आप देख लीजिए, स्टार का कार्ड आप देख लीजिए, ये सारी एनर्जीज यही दिखा रही कि ये आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं, है ना। इनको लगता है कि आपका और इनका जो रिलेशनशिप है वो एंजल की तरफ से दिया गया, यूनिवर्स की तरफ से दिया गया एक ब्लेसिंग है, तो आपको ब्लेसिंग की तरह देखते हैं, और आपके जो वाइब्स हैं, आपकी जो एनर्जीज है, आपका जो प्यार है, उससे ये अछूता नहीं रह पा रहे हैं, आप उन्हें इस तरीके से अट्रैक्ट करते हो, समझ गए। तो कहीं ना कहीं इनका जो पूरा का पूरा जो इनका जो फीलिंग्स है ना गाइज वो आप पे स्टार्ट हो रहा है, आप पर ही खत्म हो रहा है, पर कुछ ब्लॉकेजेस यहाँ पर डेफिनेटली है जिनके खत्म होने का आपके पोर्शन इंतजार कर रहे हैं। और आज की रीडिंग में देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया, मैजिशियन आ गया, हेरोफेंट आ गया, स्टार का कार्ड आ गया, और ये चारों के चारों कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि आप दोनों का यहाँ पर साइकिल भी डेफिनेटली कंप्लीट हो रहा है, आपकी पोर्शन जो भी विशेष मांग रहे हैं उस विशेष को जो है पूरा करने के लिए एंजल्स इन्हें सपोर्ट कर रही है, यूनिवर्स इन्हें सपोर्ट कर रही है, ऊपर वाला इन्हें सपोर्ट करेगा डेफिनेटली, और आपके रिलेशनशिप को एक नया मुकाम, एक ऐसी चीजें हासिल होगी जिसका उम्मीद आपके पोर्शन भी कहीं ना कहीं खोए हैं, आप भी खो चुके हो, और आप दोनों की रिलेशनशिप में ये मुकाम हासिल हो सकता है, ठीक है। हेरोफेंट यानी कि आप दोनों की लव मैरिज हो सकती है, और ये चीजें होकर ही रहेंगी, क्योंकि इतने बड़े कार्ड्स जब रीडिंग में निकल कर आते हैं गाइज तो इसका होना तय है, इसे कोई भी नहीं झुटला सकता, चमत्कार डेफिनेटली होकर रहेगा, मैजिक होकर रहेगा, जो चीजें अनएक्सपेक्टेड है ना, चमत्कार हमेशा नहीं होते, कभी कभी होते हैं, और इस रीडिंग तो चमत्कार होना ही है। तो जो भी मुझे एनर्जी इनकी नजर आई है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप नजर आए हो, अपनी इनकी गलतियां नजर आई है, रात को सोते वक्त बहुत ज्यादा पछताते हैं, अपनी गलतियों पर पछताते हैं, इन गलतियों को सुधारना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपको गुड न्यूज देना चाहते हैं, गुड ऑफर्स भी देना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं रुके हुए हैं, स्टक एनर्जी में है, और इस स्टक एनर्जी की दो वजह है। पहला, इन्हें लगता है कि आप इन्हें कभी माफ नहीं करोगे, हो सकता है कि आप इन्हें मौका नहीं दोगे, हो सकता है कि आप बदल गए हो, इनको ऐसा लगता है, जिसकी वजह से इस इंसान ने कहीं ना कहीं वक्त के ऊपर सारी चीजें छोड़ रखी है, ठीक है। इनको पता है, उम्मीद भी है कि एक ना एक दिन अच्छा आएगा और आप दोनों का फिर से मिलन होगा, आप दोनों फिर से रिलेशनशिप में बन जाओगे, उस वक्त का इंतजार आपके पोर्शन यहाँ पर कर रहे। तो रात को बहुत सारे इमोशंस है इनके गाइस, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में हमें मिला है फाइव ऑफ वैंड्स, ये दिखा रहा है कि इस इंसान के बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, इनकी भावनाएं, इनके आसपास जो लोग हैं उनके साथ ये बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, सभी के साथ इनके बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रहे हैं, कैरियर में भी अच्छा नहीं, फैमिली में भी अच्छा नहीं है ना, हर जगह से हार गया है इंसान, हर जगह से थक गया है ये इंसान, इसी वजह से शायद इन्होंने कहा था कि सब है आसपास बस तुम नहीं हो, है ना। तो इनको ऐसा फीलिंग्स आया है, और ये बॉटम में भी निकल कर आ चुका है कि इनके पास सब कुछ है पर कोई उन्हें वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाता, कोई उन्हें वो खुशियाँ नहीं दे पाता जो आप इन्हें देते थे। तो इनको बहुत उम्मीद है कि आपकी आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, इसी शादी के सपने आपके पोर्शन देख रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वक्त का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी इनको जो है वो रास्ते नहीं समझ में आ रहे कि आप तक कैसे पहुँचा जाए। तो पाइल नंबर टू ये थी आपके पोर्शन की वो सारी भावनाएं, वो यादें, वो फीलिंग्स जो रात को सोते समय सबसे ज्यादा इनको परेशान करती है, और इनकी फीलिंग्स से सिर्फ और सिर्फ मुझे एक चीज नजर आई है, वो है आपको खो देने का डर,
ये आपको खोना नहीं चाहते, पर इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, और आपको पाने के लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, ऊपर वाले से प्रेयर्स कर रहे हैं कि कैसे भी करके इस रिश्ते को फिर से ठीक कर दिया जाए, है ना। किसी चमत्कार का, जादू का इंतजार कर रहे हैं, और ये चमत्कार होकर ही रहेगा। आज की रीडिंग में आप में से कई लोगों के पोर्शन वापस भी आएंगे, जो यहाँ पर रुकी हुई एनर्जी है वो एक्शन में डेफिनेटली तब्दील होगी, और कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, आई होप आपको समझ में आई हो। गाइज अगर पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज।